कन्नौज को जिला बनाने को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही कृष्णकांत शर्मा ने कहा कि कन्नौज को जिला बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। यह देवास की सबसे बड़ी तहसील है। यहाँ के कई ग्राम ऐसे हैं जहाँ से जिला मुख्यालय की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। लोगों को जिला मुख्यालय देवास तक पहुंच पाना महंगा साबित होता है। वहीं सोनाली जोशी ने कहा कि अंतिम सांस तक जिले की मांग की लड़ाई लड़ी जाएगी, जिसके लिए तन मन धन से साथ हूँ। इसके लिए हस्ताक्षर अभियान, पोस्ट कार्ड अभियान एवं कई चरणबद्ध आंदोलन चलाकर लोगों से सहयोग की अपील की है। सोनाली जोशी ने कन्नौज को जिला बनाने को लेकर मार्मिक गीत गाकर सबको भाव विभोर कर दिया। कन्नौज के व्यापारी गोपाल धूत एवं कांग्रेस नेता संतोष पंडा, श्याम शारदा ने कहा कि जिला बनाओ अभियान में हर वर्ग के लोग सहयोग दें ताकि कन्नौज को जिला बनाने की आवाज़ बुलंदी से उठे। गायत्री परिवार के राजेंद्र शर्मा, पत्रकार प्रमोद मेहता, विष्णु प्रसाद भारतीय आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस बैठक में मातृशक्ति, पत्रकार व्यापारीगण एवं हिंदू मुस्लिम समाज के साथ ही गणमान्य नागरिक जन मौजूद थे। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।